is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. आज क्यों स्टार्ट करने से पहले इस साल का कोट अनकोट सबसे बड़ा टेक कोलैब ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है टेक्नो रोहित चैनल पे, उसमें मैं भी हूं. सो इफ इन केस यू आर अ मेंबर ऑफ द स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए. आज क्यों स्टार्ट करते हैं इंडिया में ऑन गोइंग लॉकडाउन से, एंड ऑन गोइंग लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे ई कॉमर्स सर्विसेज अभी के लिए बंद है, पार्शियल तरीके से चल रही है, रेड जोन में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही. बट बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश ने एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसके थ्रू आप एसेंशियल्स को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश से. सो ग्रोसरीज वगैरह या जो भी एसेंशियल्स ये दोनों ही कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती थी अभी के लिए ऑफलाइन, अब आप उनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. एंड Realme 6 में एक नया अपडेट आया जिसमें आपको अप्रैल का सिक्योरिटी पैच तो देखने को मिल ही रहा है, बट उसके साथ आपको अल्ट्रा स्टेडी फीचर और नए चार्जिंग एनिमेशन, जो आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था जो प्लैनेट्स वगैरह वाले चार्जिंग एनिमेशन थे, वो भी आपके Realme 6 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे. जल्दी ही इस अपडेट को मैं अपने Realme 6 स्मार्टफोन में अपडेट करके आपको एक हैंड्स ऑन वीडियो भी बना के दे दूंगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं. कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डू यू वांट अ बजट और अ फ्लैगशिप फोन बाय पोको. 76% लोग कह रहे हैं हमें एक बजट स्मार्टफोन चाहिए, जबकि 23% लोग कह रहे हैं वी वांट एन अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन फ्रॉम पोको. 865 प्रोसेसर वगैरह की लोगों की डिमांड है. आज के पोल का क्वेश्चन आपके लिए कि विच स्मार्टफोन वुड यू लाइक टू लॉन्च फर्स्ट इन इंडिया, पोको F2, पोको F2 प्रो या फिर पोको M2 प्रो. आगे बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ. एंड माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3, सर्फेस गो 2, एंड उसके साथ में एक नए पेयर ऑफ हेडफोन्स भी लॉन्च किए हैं जिनका नाम रखा गया है सर्फेस हेडफोन्स 2. सो इनके प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं जियो फोन की तरफ. एंड आरोग्य सेतु ऐप या फिर जो COVID-19 ट्रैकिंग ऐप है वो अब आपको जियो फोन जो कि काई ओएस पर रन करते हैं उनमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ. वीवो ने साइलेंटली एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वीवो Y30, मलेशिया में अभी के लिए लॉन्च हुआ है. एंड बहुत मिड रेंज काइंड ऑफ स्मार्टफोन है, MediaTek प्रोसेसर है इसमें, सिंगल पंच होल कैमरा सेटअप है, रियर की तरफ आपको एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप और एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा. 5000 mAh इसमें बैटरी है, बट आपको 10 वॉट्स की चार्जिंग ही यहां पे देखने को मिलती है. सो वीवो Y30 स्मार्टफोन मलेशिया में लॉन्च हो चुका है. इसके अलावा बाकी की मार्केट में ये कब लॉन्च होगा, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. आगे बढ़ते हैं Realme Narzo की तरफ. एंड Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A स्मार्टफोन्स फाइनली लॉन्च होने वाले हैं मई 11th को इंडिया में. एंड माधव शेठ ने कंफर्म कर दिया इस न्यूज को ट्वीट वगैरह करके. बाय द वे मैंने आपको इसके बारे में बताई दिया था कुछ टाइम पहले कि Realme Narzo 10 स्मार्टफोन जो है MediaTek G80 पे ही रन करेगा. एंड वापस से मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि Realme Narzo 10 यस रीब्रांडेड स्मार्टफोन ही है, कुछ नहीं आपको यहां पे देखने को नहीं मिलने वाला, बट नेवरदिलेस लॉन्च हो रहा है. वी कैन ओनली होप कि इस लॉन्च को कंपनी को पोस्टपोन ना करना पड़ जाए, बहुत बार Narzo सीरीज डिले हो चुकी है. एंड फाइनली अब आपके पास Realme Narzo 10 या फिर 10A स्मार्टफोन जल्दी ही आने वाला है. आगे बढ़ते हैं MediaTek की तरफ. एंड MediaTek ने फाइनली Dimensity 1000 प्लस 5G चिपसेट को लॉन्च कर दिया. एंड Dimensity का अब ये तीसरा प्रोसेसर है, इसकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अभी के लिए एज वी एक्सपेक्टेड कि कंपनीज बताएंगी, अनाउंसमेंट्स कर देती हैं, जैसे ही MediaTek का या Snapdragon का कोई प्रोसेसर अनवील होता है कंपनी बता देंगी इस प्रोसेसर को हम जल्दी ही यूज करने वाले हैं, बट अभी तक किसी भी कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है. आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ. एंड OnePlus की तरफ से बहुत न्यूज निकल के आ रही है. सबसे पहले हम बात करते हैं OnePlus 7T Pro स्मार्टफोन की, और उस पर अब एक मैसिव प्राइस कट आपको अब देखने को मिलेगा. एंड 6000 रुपए का प्राइस कट है, नया प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं OnePlus के एक अपकमिंग स्मार्टफोन की तरफ. अपकमिंग स्मार्टफोन का तो पता नहीं, बट OnePlus ने फाइनली ट्रेडमार्क कर दिया है 65 वॉट्स फास्ट चार्जिंग को. सो हो सकता है जो अपकमिंग OnePlus 9 सीरीज होगी या फिर OnePlus 8 सीरीज का जो 8T आने वाला है उसमें हमें 65 वॉट्स फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए. बाय द वे OnePlus 8T हो सकता है इस साल ना लॉन्च हो, कंपनी ने ऑलरेडी कुछ हिंट्स वगैरह दिए हैं कि इस साल और कोई स्मार्टफोन नहीं लॉन्च होगा. बट जो भी OnePlus का अपकमिंग स्मार्टफोन होगा, ऑफकोर्स नॉट द OnePlus Z और द OnePlus 8 Lite, उसमें हमें 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी. आगे बात करते हैं OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन की, और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जो इसका डिस्प्ले में इश्यूज आ रहे हैं वो कंपनी ने रेडिट पे गलती से लिख दिया कि एक हार्डवेयर बेस्ड इशू और कंपनी इसको रिफंड या फिर रिप्लेस वगैरह कर रही है. बट आज OnePlus ने मेरे को कॉल किया था कुछ टाइम पहले और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो जो न्यूज़ है वो रिपोर्टेडली फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक सॉफ्टवेयर लेवल इशू ही है और OnePlus इसको अपकमिंग ऑक्सीजन ओएस में फिक्स कर देगा. सो अभी के लिए अगेन मैं दोनों साइड्स में से किसी भी साइड को प्रेफर नहीं करना चाहता. एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें हार्डवेयर इशू है और दूसरी तरफ कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इशू है. जो भी इशू है जल्दी ही मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा. आगे बढ़ते हैं LG की तरफ. फाइनली LG ने LG वेलवेट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया अपने होम टाउन में. 700 यूरोस के आसपास का प्राइस रखा गया एंड मिड रेंज स्पेसिफिकेशंस फ्लैगशिप प्राइस के आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे थे हम और वही हुआ है.
एल जी वेलवेट में आपको अच्छी खासी लुक्स वगैरह देखने को मिलेगी और 5G प्रोसेसर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 865 वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी के लिए कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि भाई एल जी वेलवेट स्मार्टफोन बाहर कब लॉन्च होगा। आगे बढ़ते हैं ब्लैक शार्क की तरफ। ब्लैक शार्क 3 स्मार्टफोन फाइनली ग्लोबली लॉन्च होने वाला है May 8th को, और कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने फेसबुक के ऑफिशियल हैंडल के थ्रू। कल ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा ग्लोबली, इंडिया में अभी भी इसकी लॉन्च डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi कल लॉन्च करने वाला है इंडिया में Mi 10 स्मार्टफोन, और अगर आप Mi 10 को प्री बुक करेंगे तो आपको एक पावर बैंक साथ में फ्री देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो प्री बुक करने में कुछ तो हमारे साथ कुछ हमें पर्क्स वगैरह देखने को मिलने चाहिए, एंड वो ही हो रहा है। बट उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी लॉन्च होने वाली इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल Mi TWS 2 भी लॉन्च होंगे इंडिया में। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं इसका नाम AirDots या Redmi AirDots जो भी होता है वो होगा, बट ऐसा नहीं है, TWS 2 ही इसका नाम होने वाला है। और साथ में Xiaomi Mi Box 4K भी लॉन्च करने वाला है इंडिया में। यस, Mi Box S सुनने में आ रहा है कि इंडिया में Mi Box 4K करके आएगा, एक रीब्रांडेड नाम होगा। और जहां तक बात है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको एंड्रॉयड टीवी 9 पाई देखने को मिलेगा, और ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। इसके लिए मैंने ट्वीट वगैरह नहीं किया बिकॉज आई डोंट नो इसको ट्वीट करने का कोई मतलब बनता है। कल लॉन्च हो रहा है, 4000 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं Redmi K30 Pro की तरफ। एंड Redmi K30 Pro में फाइनली एक नया अपडेट आया, बट दिस टाइम एक सॉफ्टवेयर अपडेट तो है ही है, बट ये एक GPU ड्राइवर अपडेट है, और ये अपडेट आपको Mi 10 स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। सो दोनों ही स्मार्टफोन्स इंडिया में आ रहे हैं, और दोनों ही स्मार्टफोन्स में GPU ड्राइवर के अपडेट्स की कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi ने इंटरेस्टिंगली एक नई Mi स्मार्ट इलेक्ट्रिक फोल्डिंग बाइक सर्टिफाई की है। अभी के लिए ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुकी है, दैट मीन्स जल्द ही आपको ये चाइना में देखने को मिल जाएगी। इंडिया में लॉन्च के लिए वंस अगेन आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, एंड Realme की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Realme X3 Super Zoom स्मार्टफोन की। Realme X3 Super Zoom अब सर्टिफाई हो चुका है एक और सर्टिफिकेशन पे, एंड उसके थ्रू मुझे पता चला कि Realme X3 Super Zoom में आपको 4100 mAh की रेटेड बैटरी कैपेसिटी या फिर 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। सो 42 या 4100 के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से एक कोई बैटरी आपको फाइनली देखने को मिलेगी कमर्शियल प्रोडक्ट में, और 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, एंड ऑफकोर्स पोको से खत्म करते हैं आज की न्यूज। पोको की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल Poco M2 Pro स्मार्टफोन, जो कि कल मैंने आपको बताया था Xiaomi की RF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका था, और वहां से कंपनी ने बाद में इसको रिमूव कर दिया। तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे ट्विटर पे कि यार रिमूव कर दिया, दैट मीन्स ये टाइपो होगा, ये होगा होगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ टाइम पहले तक वहां पे Poco X2 स्मार्टफोन भी लिस्टेड था, और अब फाइनली Poco X2 और Poco M2 Pro दोनों ही स्मार्टफोन्स वहां से डीलिस्ट कर दिए गए हैं। दैट मीन्स हो सकता है Poco एक नया प्लेटफॉर्म बना रहा हो अपने सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं कि Poco M2 Pro नहीं आएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं Poco M2 Pro के लॉन्च होने के। और बात करते हैं Poco F2 स्मार्टफोन की। अब तो Poco F2 के बारे में आपको कुछ कंफर्मेशन मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मलेशिया में अब सर्टिफाई हो चुका है, एंड वहां से हमें पता चल रहा है कि Poco F2 जो मलेशिया में लॉन्च होगा वहां पे आपको NFC सपोर्ट देखने को मिलेगी और 5G सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। सो कुछ टाइम पहले जब ये इंडोनेशिया में सर्टिफाई हुआ था वहां पे 4G सर्टिफाई हुआ था, और यहां पे 5G सर्टिफाई हुआ। मैंने वहां पे भी आपको ये बात बताई थी पिछली टेक्स्ट में कि कुछ कुछ कंट्रीज में अभी 5G सपोर्ट है ही नहीं है, तो वहाँ पे कंपनीज 5G स्मार्टफोन्स को नहीं सर्टिफाई करती हैं, वहाँ पे 5G की सर्टिफिकेशंस ही नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि Poco F2 हर जगह 4G लेके आएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। सो मलेशिया में Poco F2 जो होगा, या ऑफकोर्स ये जो मॉडल नंबर है M2001J11G आई बिलीव, सो ये मॉडल नंबर जो है ये 5G के साथ आने वाला है, और ये Poco का ऑफकोर्स मॉडल नंबर है। अब अगेन ये जो मॉडल नंबर है अभी तक तो लोग कह रहे हैं कि Poco F2 ही है, और अगेन आई ओनली फाउंड इट आउट, बट स्टिल जब तक कुछ फाइनल कंफर्मेशन नहीं आती है, आप ये लेके चलो ये जो Poco का स्मार्टफोन है इसमें हमें 5G और NFC देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ 33 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। 30 वॉट्स की रेटेड कैपेसिटी बताया हुआ है, और ऑप्शनल कैपेसिटी है 33 वॉट्स। ऑप्शनल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो Redmi Note 9 स्मार्टफोन जो है इसी सेम सर्टिफिकेशन पे 22.5 वॉट्स की ऑप्शनल कैपेसिटी थी। सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं Poco F2 में भी आपको 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। Poco F2 या फिर Poco F2 Pro या फिर दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं ग्लोबली 12th ऑफ मे को, कंपनी ने ऑफिशियली आज अनाउंस कर दिया, और स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स उस पर्टिकुलर वीडियो में थे। आपको मैं वीडियो यहाँ पे कॉपीराइट के चक्कर में नहीं दिखा सकता, यू कैन हेड टू माई ट्विटर हैंडल या फिर आप Poco के ऑफिशियल ग्लोबल हैंडल फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने आज फाइनली अनाउंस कर दिया कि 12th ऑफ मे को स्पेन में Poco की जो अपकमिंग स्मार्टफोन ब्रैकेट S है, या फिर मतलब बहुत सारे स्मार्टफोन्स हो सकते हैं या एक स्मार्टफोन है जो भी है, लॉन्च होने वाला है। सो टुडे इज द 7th ऑफ मे, 5 दिन में आपको अपकमिंग Poco स्मार्टफोन ग्लोबली देखने को मिल जाएगा।
वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मानस कह रहे हैं फाइनली यू आर ऑन यूट्यूब, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट ब्रदर। एंड यूट्यूब पे हम बहुत टाइम से हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूब पे हम बहुत टाइम से हैं। सो फाइनली अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, दैट मीन्स अ लॉट टू अस। सत्यजीत कह रहे हैं हाय, इंप्रूवमेंट, आज टेक न्यूज बहुत जल्दी आया है, आई लाइक इट, थैंक यू, थैंक्स लॉट ब्रदर। एंड यस, आपको आज भी टेक न्यूज जल्दी देखने को मिल जाएगा, आगे से आपको जल्दी ही हम टेक न्यूज प्रोवाइड किया करेंगे, बिकॉज आई बिलीव अब हमारे चैनल को ग्रो करने का टाइम आ गया है। ट्विटर पे बाय द वे बहुत जल्दी 50K होने वाली स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी, हो सकता है शाम तक 50K हो जाए, और आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट मैं ट्विटर पे करने वाला हूँ। लास्ट कमेंट मैंने पिक किया CIA का, वो कह रहे हैं टाइम टू इन्वॉल्व टाइम स्टैम्प्स। ऑफ कोर्स CIA KUN आपके लिए टाइम स्टैम्प्स हम वैसे रोज प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको टाइम स्टैम्प्स वगैरह प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाए। आई बिलीव होती हैं टाइम स्टैम्प्स, वैसे टाइम स्टैम्प होती हैं हमारे टेक्स्ट स्टफ में, बट स्टिल अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं हो सकता है आज डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर करके लगा दूंगा। सो देयर यू गो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।